झामुमो नेत्री कल्पना सोरेन ने मीराल हाई स्कूल के मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए झामुमो प्रत्याशी मतलस ठाकुर के पक्ष में मतदान करने की अपील की। बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। मतलस ठाकुर कुमार ने पक्ष में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने अपने कार्यालय में जो विकास किया है उसके लिए हम आपसे पास आशीर्वाद मांगने आए हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता का जवाब देने के समय आ गया है। वहीं भाषण के दौरान कल्पना सोरेन ने 20-20 में लोगों में जोश भरते हुए उपस्थित लोगों से आगामी 13 नवंबर एक बार आपको फिर से बता दें कि लोगों में जोश भरते हुए उपस्थित लोगों से आगामी 13 नवंबर को अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। चुनावी सभा को मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कल्पना सोरेन को झारखंड की शेरनी से संबोधित किया। आज मैं